नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है एचएसएससी का, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि करंट अफेयर को जो है रिवाइज़ करवाया जाए। हालांकि पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है जनवरी से सेप्टेम्बर तक की, लेकिन फिर भी बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से रिपीट जो है करवा दिया जाए, रिविज़न करवा दिया जाए। तो हम जो है मंथली इसको रिवाइज करेंगे। जनवरी 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। बिना किसी देरी के इसको हम 10 मिनट में इसको फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गणतंत्र दिवस 2023 पर किस ज़िले में तिरंगा फहराया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 26 जनवरी को जो है तिरंगा फहराया था। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जो है तिरंगा कहाँ फहराया, तो वो जगाधरी के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? जगाधरी, याद रखना आपको जगाधरी में। यहीं आपसे डिप्टी सीएम पूछ ले तो डिप्टी सीएम का आपको याद रखना है हिसार के अंदर। ठीक है, डिप्टी सीएम ने कहाँ पे? हिसार में। और जो गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने अंबाड़ा सिटी में ध्वजा जो है तिरंगा फहराया था, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। चलिए, हरियाणा के किस ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय हैबिटेट सेंटर बनाया गया है, तो ये पंचकुला के अंदर। कहाँ पर बनाया गया है? पंचकुला के अंदर, आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और पंचकुला के अंदर मॉडर्न सब्जी मंडी पिंजौर पंचकुला में, आपको ये भी ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क है, वो मोरनी पंचकुला में है। ठीक है, चलिए, हरियाणा राज्य में कितने किलोमीटर दूरी वाले विद्यार्थियों को मेरी साइकिल मेरी पसंद जो योजना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना का लाभ मिलेगा। तो 2 किलोमीटर से जो विद्यार्थी आते हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक खसरा और रुबेला मुक्त करने का जो टारगेट रखा है वो है दिसंबर 2023 का। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो खसरा और रुबेला है उसकी ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ लें, तो आपको ध्यान रखना है मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर आपको ध्यान रखना है, जो पिस्टल शूटर है उनको बनाया गया है। आगे देखते हैं, हरियाणा के किस ज़िले के मनदीप ने दक्षिण अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, दक्षिण अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो जो चोटी है, यहाँ पर तिरंगा फहराया है। देखिए, ये तिरंगा फहराया गया था गणतंत्र दिवस को, ठीक है, 26 जनवरी को। और ये हिसार के गांव भोजराज के हैं, आपको ध्यान रखना है। मनदीप ने जो है यहाँ पे तिरंगा फहराया, नाम क्या है? मनदीप है। और कहाँ का है? भोजराज का है, गांव है इसका। हरियाणा सरकार ने नगर निगम शहरों में महिलाओं के लिए किस शौचालय को बनाया जाएगी। देखिए, यहाँ पर हम बात करें शौचालय की, तो जो पिंक शौचालय हैं स्पेशल महिलाओं के लिए जो है इनको बनाया गया है। हरियाणा राज्य का डबवाड़ी पानीपत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा, तो ये 5 जिलों से, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और करनाल से। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में कहां पर इंडो इजरायली बागवानी उत्कृष्टता केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है, तो यहां पर आपका ध्यान भिवानी के अंदर जो लोहारू विधानसभा है क्षेत्र है उसके गांव गीगनाऊ के अंदर जो इंडो इजरायली बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। लोहारू का प्राचीन रूप बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोहारूप है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बकरी प्रजनन केंद्र भी है लोहारू के अंदर, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगी। देखिए, 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं, जिस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। तो निहारिका ने जो है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व किया, आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। यहाँ पर 2 जो है गेस्ट बुलाए गए थे यहाँ पर, एक तो गुयाना गणराज्य है उनके राष्ट्रपति आए थे मोहम्मद इरफान, और एक सूरीनामा देश के जो हम बात करें वहाँ के जो व्यक्ति थे, मतलब वहाँ के जो सूरीनामा के जो राष्ट्रपति थे वो आए थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक आपको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत। देखिए, हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत की बात हो रही है। देखिए,
पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी हैं आपको ध्यान रखना है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला और नई कौन सी बनी है आपकी, सोनीपत बनी है। पांच पुलिस रेंज है आप सबको ज्ञात है, अंबाड़ा, हिसार, करनाल, साउथ रेंज, रेवाड़ी हो गया और एक रोहतक हो गया। तो यहाँ पर सतीश बालान को जो है पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा पशु धन विकास बोर्ड का नए चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, तो ये धर्मवीर मिर्जापुर को बनाया गया है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, याद रह जाएगा आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बोर्ड की जो स्थापना है हरियाणा पशुधन वाले की, तो जनवरी 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है, हरियाणा सरकार के सहयोग से वर्ष 2023 में किस देश ने गीता महोत्सव मनाया, तो ये ऑस्ट्रेलिया। गीता महोत्सव किसने मनाया, ऑस्ट्रेलिया, याद रह जाएगा आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव का शुभारंभ जो है कब किया गया, शुरुआत हुई कब इसकी, 1989 में, और जो गीता जयंती, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय उत्सव कब इसको बनाया गया है, तो 2002 में। ठीक है, चलिए हरियाणा के किस शहर में हिसार के दूरदर्शन केंद्र को शिफ्ट किया गया है, तो हिसार से जो दूरदर्शन केंद्र है उसको यहाँ से बंद करके चंडीगढ़ इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। हरियाणा के किस जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनाया जाएगा, तो ये गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो कामकाजी महिलाएं उनके लिए आवास बनाया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला जिले में बनने वाले ऑक्सी वन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, देखिए ये पंडित जसराज, देखिए पंडित जसराज की हम बात करें तो शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जो मेवाती घराने से आते हैं, इनका जन्म 1930 में हुआ था, 28 जनवरी 1930 को पीड़ी जो मंदोरी गांव है, जो पहले हिसार में पड़ता था, फतेहाबाद में आ गया है जब फतेहाबाद ज़िला बना। और यहाँ पर हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इनको पद्मश्री कब दिया गया, 1975 में, एक पद्म विभूषण दिया गया था सन 2000 में, तो इनके नाम पे ऑक्सीवन का नाम रखा है पंडित जसराज के नाम पे। ठीक है, चलिए 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के किस जिले में गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज यमुनानगर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज यमुनानगर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम, हरियाणा में कहाँ पर संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह किया जाएगा, तो ये जींद के नरवाना में। हरियाणा के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान नई दिल्ली का जनरल काउंसिल का सदस्य नॉमिनेट किया गया है, मनोनीत किया गया है, तो महासिंह पूनिया। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं जो होते हैं, वो होते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा जो रेशनलाइजेशन है युक्तिकरण आयोग का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है राजन गुप्ता को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा में कहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय शिलान्यास किया है, तो ये यमुनानगर के लोहगढ़ में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर नाइट्रोजन एयर पंप लगाया जाएगा, तो ये कैथल के सिवान में, कैथल के सिवान में जो है नाइट्रोजन एयर पंप लगाया जाएगा, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं, हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सुमित राणा को, सुमित राणा को, हरियाणा बीज विकास निगम जो कब बना था, 1974 में। ठीक है, बीज विकास निगम भी पूछ लेते हैं कब बना था। हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, देखिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है नेहा कुमारी को, किसको दिया गया है भाई, नेहा कुमारी, जो कहाँ की है, नेहा कुमारी है झज्जर की। ठीक है, शहीदों के शहर की। पब्लिक जो हम बात करें, जो पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया जो PRCI है चंडीगढ़ का चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो डॉक्टर रुपेश को। हरियाणा राज्य में युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग किसको दिया गया, ये संदीप सिंह के पास था, विवादों में घिरे होने के कारण ये CM मनोहर लाल खट्टर ने खुद ये विभाग ले लिया। हरियाणा के राखीगढ़ी में कब से कब तक राखीगढ़ी महोत्सव, राखीगढ़ी हिसार में है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, 21 और 22 जनवरी 2023 को जो है ये राखीगढ़ी महोत्सव मनाया गया। समझ आ गया यहाँ तक आपको, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई, तो ये जींद से सोनीपत तक, लगभग 90 किलोमीटर ये चलाई गई हाइड्रोजन ट्रेन। हरियाणा सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो यू विन पोर्टल।
हरियाणा के किस जिले की खुशी भारद्वाज ने गणतंत्र दिवस की परेड में कृषि मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व किया? तो ये पानीपत की हैं खुशी भारद्वाज। याद रहेगा भी कहाँ की हैं? पानीपत की हैं। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया? बालकिशन अग्रवाल को। हरियाणा के किस जिले की जेल से रेन वाटर स्टोरेज टैंक की शुरुआत की गई है? तो ये रोहतक की सोनारिया जेल से शुरू की गई है। ठीक है, मतलब साफ पानी मिलेगा सभी जो जेल में बंदी हैं उनको। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस जेल में पहला पेट्रोल जो पेट्रोल पंप है पेट्रोल और सीएनजी का, तो ये जेल जो कुरुक्षेत्र की जेल है उसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी का एक पेट्रोल पंप लगाया गया है। हरियाणा राजस्व आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वी एस कुंडू को। वी एस कुंडू याद रह जाएगा भाई, वी एस कुंडू। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए हरियाणा की झांकी का विषय, तो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है? तो ये आईजी हैं अमिताभ सिंह ढिल्लो। देखिए राष्ट्रपति जी ने 14 लोगों को जो है हम बात करें पदक दिया, ठीक है, कितने लोगों को? 14 को, जिसमें एक तो अमिताभ सिंह ढिल्लो को जो राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है, बाकी 13 और व्यक्तियों को जो है अन्य मतलब राष्ट्रपति ने जो है पदक दिया था। तो याद रखना टोटल 14 व्यक्तियों को दिया गया था पुलिसकर्मियों को, जिसमें से राष्ट्रपति पुलिस पदक सिर्फ अमिताभ सिंह ढिल्लो को मिला है। पंचकुला जिले के सुखद दर्शनपुर गांव में बनने वाले राधा कृष्ण मंदिर शिलान्यास किसने किया? तो ये जो विधानसभा अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया या शिलान्यास किया। हरियाणा सामाजिक न्याय सशक्तिकरण अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय कल्याण विभाग का महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो के एम पांडुरंग को। याद रखना है आपको, हरियाणा सरकार द्वारा धन्ना भगत की जयंती किस दिन सरकारी तौर पर मनाई गई? तो 21 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाई गई याद रखना आपको, 21 अप्रैल को, ये धनोरी गांव के अंदर। ठीक है, कहाँ पे मनाई गई? धनोरी गांव कैथड़ के अंदर। 3 दिन का एक कार्यक्रम था 21 से 23 अप्रैल तक। ठीक है, हरियाणा के किस व्यक्ति के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का नाम रखा गया? तो ये हरियाणा के जो मेजर होशियार सिंह सोनीपत सिसाणा गाँव के थे, जो पहले हरियाणा के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह, इनके नाम पे अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है। हरियाणा के चौधरी वेदपाल का निधन हो गया, वे राज्य के किस पद पर आसीन थे? विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे। हरियाणा के किस स्थान पर एशिया में पहली बार काले गिद्ध देखे गए? तो गुरुग्राम के चंदू वेटलैंड में। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हरियाणा चुनाव आयोग अध्यक्ष धनपत सिंह हैं, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी पूछा जा सकता है। गिद्ध प्रजनन केंद्र यहाँ आपको ध्यान रखना है, पिंजौर के अंदर है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको याद रखने हैं। समझ आ गया, क्लियर है भाई? तो यहाँ पर जनवरी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने आपके साथ मैंने शेयर कर लिए। ज़्यादा मैराथन क्लासों में टाइम खराब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप रिवाइज करो तो जल्दी जल्दी कर लिया करो। जरूरी नहीं है करंट अफेयर के पता नहीं 2 से 4 क्वेश्चन पूछे, 5 पूछे, ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट के एग्जामों में भी नहीं पूछे हैं। तो ज़्यादा करंट पे ही आपको ध्यान ही देना है, अपना जो रिवीजन सारा और सिलेबस है वो भी आपको करना है। होता क्या है कि मैराथन क्लास में जितने भी हैं वो क्या करते हैं, टीचर 50 से 100 क्वेश्चन शामिल करते हैं और 4 से 5 घंटे की लंबी क्लास हो जाती है। तो रिवीजन करनी है तो झटपट रिवीजन होनी चाहिए ताकि टाइम ख़राब ना हो और आपके चीज़ें कवर भी हो जाएं। ठीक है भाई, तो अब फरवरी का करंट अफेयर का वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा जल्दी से जल्दी, ये सारे जितने भी हैं जनवरी टू सेप्टेम्बर आपको कम्प्लीट करवा दूँगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।